बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। दोस्तों, एक तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो सैनिटाइज़र के हवाले से बता दूं, बहुत सारे जो है क्वालिटी के सैनिटाइज़र आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन ये जो कंपनी है, कोशिश करें अगर आप लोगों को ये कंपनी का सैनिटाइज़र मिल जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेटॉल की कंपनी है और ये अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सैनिटाइज़र है। इससे जो है काफ़ी सेफ्टी हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों, जब भी आप लोग घरों से निकलें, घर से आप कोशिश करें आपने ये जो मास्क है ये लाजमी पहन कर निकलें, और उसके बाद जब आप वापस आएँ घर से, जब बाहर से होकर, तो आप फौरन से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोने के बाद आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों की जो है वो बाहर से कोई जरासीम वगैरह अगर कोई लग भी गया तो आप इसको वाश कर सकें, वो वाश हो जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो। और उसके बाद दोस्तों, कुछ एहतियाती तदबीर मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ सुन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका फ़ायदा है और दूसरों का भी फ़ायदा है, आपके घर वालों का भी फ़ायदा है। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करें, इस चीज़ पे अमल करें कि आप लोगों ने जो है हाथ धोने हैं, और उसके बाद जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है। मास्क कोई भी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कम लोग हैं बहुत जो मास्क पहन के बाहर निकल रहे हैं। अब तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुकी है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो और सैनिटाइज़र जो है वो कोशिश करें, अगर सैनिटाइज़र अब नहीं अवेल हो रहा तो डेटॉल वगैरह ले लें आप, वो पानी में डालकर आप हाथ वगैरह धोएं। इस तरह की जो सेफ्टी जो है तदाबीर हैं उनको अपनाएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।